एक चौपाई है जिसमें कहा जाता है कि जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। ये त्रेता युग की हम बात कर रहे हैं, जब प्रभु राम का जन्म हुआ, 14 वर्षों का वनवास और उसके बाद अयोध्या में दीपावली। लेकिन शायद ये सालों के बाद होगा कि ये अयोध्यावासी नहीं, पूरा देश साल में दो बार दीपावली मनाएगा। 22 जनवरी फिर से दीपावली है, एक 14 वर्षों का वनवास था, एक 500 वर्षों का टेंटवास था जिसमें प्रभु राम टेंट में रहे थे। हम लोग लगातार अयोध्या आते थे और शायद हम में से कई लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे जीवन काल में हम ये क्षण देख पाएंगे कि प्रभु राम का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। इसके लिए आप सबका अभिनंदन मैं चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत कीजिए। मेरे साथ वो आवाज है जिनको आज शायद पूरा देश सुनना चाहता है। मतलब हम लोग कहते हैं कि जब प्रमाण मांगे जा रहे थे तो प्रमाण से परिणाम तक, विध्वंस से विराजमान तक, संकल्प से सिद्धि तक, पूरा जिन्होंने सफर देखा, चंपत राय जी हैं मेरे साथ, जो कि आपको बता दें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव हैं। चंपत जी बहुत बहुत धन्यवाद, ये माइक आप ले लीजिए, आपने समय निकाला सर। सवाल कुछ नहीं चंपत जी, आज पूरा देश आपको इसलिए सुनना चाहता है क्योंकि पूरे देश के लिए 22 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है। मतलब 22 जनवरी तो कह सकते हैं कि सालों के तप तपस्या बलिदान का परिणीति है। आपकी नजर में चंपत जी 22 जनवरी का महत्व और 22 जनवरी से देश कितना बदल जाएगा? चंपत राय जी। सभी को मेरा प्रणाम। मैं निजी रूप में 22 जनवरी 2024 सोमवार पौष शुक्ल द्वादशी इसी प्रकार देखता हूं जिस प्रकार समाज ने कभी 15 अगस्त 1947 देखा होगा। देश की राजनीतिक स्वाधीनता और अब देश के सम्मान की पुनर्प्रतिष्ठा, सांस्कृतिक स्वाभिमान, सांस्कृतिक स्वाधीनता की ओर कदम चला। चंपत जी, लेकिन सांस्कृतिक स्वाधीनता की आपने बात करी, 22 जनवरी मतलब ये जो आज हम तारीख देख रहे हैं इसमें कई लोगों का बलिदान भी हुआ, तप तपस्या बलिदान। 22 जनवरी आपको लगता है कि जिन भी लोगों ने संघर्ष किया उन कार सेवकों को सच्ची श्रद्धांजलि अगर कोई हो सकती है तो शायद वो 22 जनवरी होने जा रही है? चंपत जी देखो भाई, हिंदुस्तान बलिदानियों का देश है। ऐसा कौन सा काल है जब हिंदुस्तान ने बलिदान नहीं किए? अपने सम्मान की रक्षा के लिए भारत की नारियों ने अग्नि में कूदकर दाह किया है। ये मेवाड़ क्या कहता है? अपने सम्मान की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने सर नहीं झुकाया लेकिन जंगल में चले गए। बच्चों को भूख लगी तो कहते हैं कि घास की रोटियां खिला दी। ये देश बलिदान का देश है। पंजाब के गुरु गोविंद सिंह छोटे छोटे बच्चे अपने सम्मान, देश के सम्मान की रक्षा के लिए दीवार में चुन गए। बड़ा रोने लगा, पूछा रोता क्यों है? कहते हैं पहले मैं पैदा हुआ, जा तू रहा है पहले। देश बलिदानियों का देश है और इसलिए ठीक है राम जन्मभूमि के लिए हम उतने ही बलिदान जानते हैं जितने हमने देखे हैं 1984 के बाद, लेकिन 1528 से लेकर आज तक जो हुआ उसको कौन जानता है? उसका तो कोई नाम भी नहीं जानता। उन्होंने बलिदान काहे के लिए किया था? तो ये बलिदानियों का देश है। यहां मरने के बाद प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, तत्काल। या मरना, बलिदान होना कबड्डी का खेल है।
दिन भर में बच्चे चार बार मरते और चार बार जीते रहते, कबड्डी खेलते रहते, मर गया जी गया, मर गया जी गया, तो भी किसी उद्देश्य के लिए जिन्होंने अपनी आत्मा आत्मोत्सर्ग किया, उनकी आत्मा को शांति तो जरूर होगी, जरूर होगी। चंपा जी, जिस बात से मैंने शुरुआत की, जितने लोगों से मैंने बात की, किसी को शायद अंदाजा नहीं था कि वो अपने जीवन काल में ये सब देख पाएंगे। मतलब राम मंदिर का निर्माण होना, 500 साल, 493 years, 493 सालों का तप जो अब मिलने जा रहा है न्याय, ये उम्मीद थी आपको, ये हो पाएगा, या आपको भी लग रहा था कि नहीं ये लड़ाई लंबी है, कानूनी लड़ाई है, चले जा रही है, उम्मीद थी आपको? सत्य अगर है तो वो जीतेगा, बस इतने ही तक मैं सीमित था। दूसरा विचार, 1947 के पहले जिन लोगों ने बलिदान दिए, फांसी पर झूल गए, उन्हें कौन उम्मीद दी थी कि 1947 15 अगस्त को ये होने वाला है? कर्म बस इतना ही होना चाहिए, पत्थर पर हथौड़ा मारो, हमें नहीं मालूम कौन से हथौड़े की चोट से टूटेगा, 100 हथौड़ों की चोट से उसके तंत्र तंतु ढीले पड़ते हैं, 101वें हथौड़े पर वो टूट जाता है। अगर ये मानकर चलेंगे कि हमारे जीवन में ये काम सफल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो लोग निराशा में झूलकर अंदर बैठ जाएंगे। कभी भी कार्य प्रारंभ किया तो जितना भगवान ने हमारे भाग्य में लिखा है उतना हम करेंगे, उसके बाद इडोरी अगली पकड़ा देंगे। मैंने ऐसा सुना है कि पटना में नौजवानों ने ठान लिया कि इस बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा फहराएंगे। चल दी टोली, एक के पीछे एक चढ़ने लगे, सरकार परेशान हुई, क्या हो रहा है, गोली चली, ऊपर से टपका नीचे आ गया, लेकिन झंडा दूसरे ने थाम लिया और एक के बाद एक सब मर गए, परंतु झंडा ऊपर पहुंच गया। तो जो मेरे जीवन में सफल होगा कि नहीं होगा वो कुछ नहीं करते, किसके जीवन में कौन सा काम संपन्न होगा ये विधाता तय करेंगे। गंगा से, गंगोत्री से जल चलता है, ये मैंने सब सुनी हुई बातें हैं। अगर हर एक जल कण सोचने लगे कि मैं समुद्र में मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा तो यात्रा बंद हो जाएगी। गंगा के न जाने कितने जल कण पशु पक्षी पी जाते होंगे, गंगा के कितने जल कण सूर्य की ऊर्जा से वाष्पीकरण हो जाता होगा, गंगा के कितने ही जल कण धरती में इधर उधर चले जाते होंगे, खेत में चले जाते होंगे, लेकिन अगर परंपरा चलती रहती है तो बाधाएं भी, पत्थर आ गया पीछे से जल की परंपरा आ रही है तो पत्थर को पार कर लेगी, गड्ढा आ गया तो जल उसको भरकर आगे चलता रहेगा, परंपरा चलती रहती है तो जल का प्रवाह समुद्र में मिलता है। मैं इसी से प्रभावित हूं। हो ये सोई जो राम रची राखा। कितना मंदिर का काम पूरा हो चुका है चंपत जी? एक महीने का वक्त है, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री पूरा देश, 22 जनवरी 2024 सोमवार रामलला का एक नया विग्रह तैयार किया जा रहा है। ये 5 वर्ष के बालक का चित्र है, रामलला मंदिर है, चाइल्ड राम, इन्फेंट राम, तो 5 वर्ष के बालक की कल्पना की गई है। 5 वर्ष के बालक की आंखें कैसी, कपोल कैसे, मुस्कान कैसी, शरीर की रचना कैसी, इसकी कल्पना की गई है। पत्थर की खड़ी मूर्तियां बनाई जा रही हैं, खड़ी मूर्ति,
अगर पैर की उंगली से नापा जाए तो ललाट 51 इंच पर होगा। भाई इतना ही फिक्स किया है, ललाट के ऊपर सर का टॉप, फिर आभा मंडल ये अलग है। तीन मूर्तिकार तीन अलग अलग पत्थरों पर भगवान का चेहरा उकेर रहे हैं। अब कौन 5 वर्ष के बालक की सुकोमलता को ठीक से निहार पाएगा, भगवान किसका हाथ स्वीकार करेंगे ये 15 दिन में तय कर लेंगे। मूर्तियां तैयार हैं। दूसरी बात, प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में नहीं, मंदिर के गर्भगृह में होती है। गर्भगृह में, गर्भगृह मंदिर का सबसे अंतिम पश्चिमी छोर है। वो गर्भगृह संगमरमर का है, मकराना के सफेद मार्बल का है, वो पूरी तरह से तैयार है। उस मंदिर में दरवाजे लगेंगे, वो तैयार है। शेष मंदिर का लगभग काम तैयार है। मैं लगभग कह रहा हूं क्योंकि उसमें लगभग 170 खंभों पर तमाम मूर्तियां बनाई जानी है। ये काम दसियों साल का है, ये मंदिर के निर्माण का हिस्सा नहीं है, मंदिर की सुंदरता का हिस्सा है। मंदिर का एक फ्लोर है 350 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा, इस पर मार्बल लगना है, लगाया जा रहा है। जितना लग जाएगा वो ठीक हो जाएगा, लेकिन गर्भगृह जहां प्रतिष्ठा होनी है वो तैयार है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए दो आवश्यक बातें हैं, गर्भगृह और जिस प्रतिमा की प्रतिष्ठा होनी है उस प्रतिमा की तैयारी, ये दोनों बातें हो गई। निमंत्रण चंपत जी किस किस को दिया गया है या दिया जा रहा है? साधु संतों को या राजनेताओं को? विदेशों से भी मेहमान आएंगे चंपत जी? राम जन्मभूमि को वापस प्राप्त करने के लिए 497 जो भी 500 साल है उसमें हम नहीं कह सकते कितने लोगों ने अपने जीवन का उत्सर्ग किया है, लेकिन मैं इतना ही जानता हूं कि 1984 में प्रारंभ किया था तो लगभग इस देश के 5 लाख गांव मोहल्ले कॉलोनियों तक ये विचार पहुंच गया। कम से कम 10 करोड़ लोगों ने, एक आकलन है हमारा, इस मंदिर के निर्माण में अपनी परिश्रम का कुछ हिस्सा दिया है। वो दान नहीं दिया किसी ने भी भगवान को, भगवान का धन तो दिया है, कार्य है तेरा तुझको अर्पण, इस समर्पण के भाव से दिया है। तो ये मंदिर इस संपूर्ण राष्ट्र का, देश की आज आबादी 135 करोड़, तो 135 करोड़ समाज का, राम के भक्त भारत से अलग संसार के 50-60 देशों में रहते हैं, व्यापार धंधा करते हैं, अपने अपने घरों में मंदिर बनाकर राम की उपासना करते हैं, ये उन सब का। इसलिए ये विचार है कि सारे भारत का रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व यहां होना चाहिए। इस आंदोलन में कम से कम 15,000 संत महापुरुषों की अपने अपने क्षेत्रों में अथवा जितना जिसको कहा गया उतने क्षेत्रों में लोगों ने समाज जागरण का काम किया है, लगातार किया है। अपने मठ से घर से निकलकर जागरण करने के लिए सड़क पर चलते हैं तो कुछ ना कुछ कष्ट जरूर होता है, इसलिए यही सोचा गया है कि संतों का कार्यक्रम अधिक मात्रा में बने। देश में 13 अखाड़े हैं, 6 दर्शन हैं, अनेक प्रकार की परंपराएं हैं, पूजा पद्धतियां हैं, गुरु परंपराएं हैं। हम लोग केवल वैष्णव और सन्यास को जानते हैं, लेकिन वनवासियों के भी धर्म गुरु हैं। इसलिए कम से कम भारतवर्ष की 125 परंपराओं के संत महापुरुष आएंगे। घुमंतू समाज में भी साधु होते हैं,
सारा देश यहां होगा। मैं अपने आकलन के आधार पर कहता हूं कि हिंदुस्तान का प्रत्येक जिला, वहां के जिले का कोई ना कोई एक संत महापुरुष यहां होगा। 4000 संख्या होगी, उनके शिष्य और सेवकों को छोड़ दीजिए बिल्कुल। अगली बात थी गृहस्थ की, तो हमने ये सोचा है समाज जीवन के कितने क्षेत्र हैं, सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। खिलाड़ी, वैज्ञानिक, लेखक, साहित्यकार, कवि, रंगमंचीय कलाकार, फिल्म जगत, अपने किसी गुणों के कारण भारत सरकार ने पद्मश्री दिया, ऐसे भी 10-20 लोग होने चाहिए। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, राजदूत, सेवानिवृत्त न्यायाधीश और जिन अधिवक्ताओं ने इस मुकदमे को 50 साल तक लड़ा वो आने चाहिए। भारतीय सेना के वो वीर जिन्होंने देश की सम्मान की रक्षा के लिए जीवन बलिदान दिया और उनकी वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत ही क्यों ना हो कोई वीरता का चक्र दिया, उनके परिवारीजन आने चाहिए। और राम जन्मभूमि के लिए पिछले 38 साल में जिनका शरीर चला गया, जिन्हें कोई जानता है, उनके परिवार का कोई व्यक्ति आए। मैं नाम लूंगा, जोधपुर ग्राम मथानिया सेठाराम माली, शायद 18-19 साल का नौजवान था, अयोध्या में दिगंबर अखाड़े के पास जोधपुर के प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा के साथ दोनों को गोली लगी थी। वो तो प्रोफेसर थे, ये तो बालक था, और इस बालक का बालक ही आज शायद 30-32 साल का है। हमारी कोशिश रहेगी उसके परिवार का कोई आए जी। हम दुनिया में भारतीय हैं, राम भक्त हैं, लगभग 50-51 देशों का एक एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाए इस ओर ध्यान दे रहे हैं। और इस प्रकार ये संख्या हो सकता है 2000 को क्रॉस कर जाए जी। इस मंदिर को बनाने में आज 4000 लोग काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के सब कॉन्ट्रैक्टर्स वेंडर्स हैं, 3500 तो केवल लेबर है। हम सोच रहे हैं इसका भी 10-12% आना चाहिए। हम सभी लेबर को तो नहीं बैठा सकते, जगह नहीं है, लेकिन ये संख्या 400 से 500 हो सकती है। हर एक श्रेणी, सबकी इच्छाएं तो पूरी नहीं हो सकती, नहीं लेकिन जिनकी इच्छा पूरी नहीं होगी उनका गुस्सा सहना ही पड़ेगा। क्रोध सहन करना अच्छी बात है, लेकिन सारा भारत यहां हो, हमारा ये दृष्टिकोण है। लेकिन चंपत जी, आपकी इजाजत से एक सवाल पूछ रहा हूं। नाराजगी विपक्ष में भी है, वो कह रहे हैं राम सबके हैं तो उनको न्योता क्यों नहीं। खासकर कांग्रेस या विपक्ष का कहना है कि एक तो प्रधानमंत्री का होना, एक धार्मिक अनुष्ठान में सेकुलर राष्ट्र में किसी देश के प्रधानमंत्री का होना वो गलत, नंबर एक। नंबर दो, जब राम सबके हैं तो विपक्ष को न्योता क्यों नहीं, ये दो मुख्य सवाल है। चंपत जी देखो भाई, राजनीतिक लोगों की आलोचना को हम सदैव सुनते ही रहते हैं और हिंदुस्तान को भी सुनते ही रहना चाहिए। आज कुछ बोलना और कल कुछ बोलना, आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, एक समय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। राम सेतु मामले में कभी भी दिया, राम का तो अस्तित्व ही कोई नहीं है, उसको उन्होंने मिथ कह दिया था। मिथ कहते हैं कल्पना को। तो ये तो बात छोड़ो, लेकिन अयोध्या फैजाबाद के स्तर पर सामाजिक जीवन जीने वाले लोगों को हम जरूर बुलाएंगे, पास पड़ोस के लोगों को भी बुलाएंगे। आज वो बड़े ही नेता हो गए होंगे, हम 1984 से लेकर 1992 तक की उनकी उम्र और उनका कंट्रीब्यूशन याद कर रहे हैं। हमें उनके उस आयु के योगदान को याद करना है। शेष
राजनीतिक दलों को इतना ही कहूंगा, शांत रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। उनकी आलोचना का कोई असर नहीं है, चुप रहेंगे तो शायद नाम आ जाएगा। नाम आ सकता है मतलब? चुप रहोगे तो आएगा, बोलते ही रहोगे तो बोलते रहो। नमस्कार। नहीं, जो ये कहा जा रहा है, जब प्रधानमंत्री भी तो राजनेता है, जब प्रधानमंत्री देश के हो सकते हैं तो दूसरे राजनेताओं को निमंत्रण क्यों नहीं? विपक्ष बहुत नाराज है, बहुत गुस्सा है कि राम सबके हैं तो उनको न्योता क्यों नहीं? अरे आत्मचिंतन करो भाई, कुछ अंदर झांक कर भी तो देखो। हम प्रधानमंत्री जी की उस आयु को देख रहे हैं जब 1984 था। मैं कह चुका हूं कि हम 1984 से अध्ययन कर रहे हैं। उसमें विपक्ष उनके जीवन का मिशन यह है, और विपक्ष का अगर एक भी दिखाई देगा कि जिसके जीवन का मिशन यही रहा है, उसका जरूर विचार करेंगे। कोई नाम तो बता दे। ठीक है आगे बढ़िए, राजनीतिकों की बात छोड़िए। बस एक आखिरी सवाल, एक सवाल शुरुआत से ये उठता रहा है कि सेकुलर देश में किसी प्रधानमंत्री का धार्मिक अनुष्ठान में होना एक वर्ग को सही मैसेज नहीं जाता, देश धर्म निरपेक्ष, तो फिर एक प्रधानमंत्री का एक धार्मिक कार्यक्रम में होना ठीक नहीं? ये सवाल उठाया जाता है। एक आखिरी सवाल है चंपा जी आपसे, शायद ये सोमनाथ मंदिर के समय भी चर्चा यतीन्द्रनाथ जी करेंगे तो अच्छा है। धर्म निरपेक्ष आदमी तो हो ही नहीं सकता, वो किसी न किसी परंपरा से श्रद्धा से बंधा है। वो भी किसी श्रद्धा से बंधे थे जो राजनीति भी करते थे और मस्जिद में भी जाते थे चुनाव के पहले। इन बातों को छोड़ दिया जाए तो अच्छा है। व्यवस्था धर्म निरपेक्ष होती है, कानून धर्म निरपेक्ष होता है। चोरी का कानून सब पर एक जैसा लागू हो, विवाह की व्यवस्था सब पर एक जैसी लागू हो, विरासत का कानून सब पर एक जैसा लागू हो, इसका नाम है निरपेक्षता। परंतु समाज व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार आचरण करेगा, और राजा समाज की भावनाओं के अनुसार चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चंपत राय जी, आपने समय निकाला न्यूज 18 इंडिया के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद चंपत राय जी। मेरा अनुरोध है हमारे खास मेहमान से, प्लीज आप थोड़ी देर मंच पर मौजूद रहें। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे एडिटर न्यू कैनवास न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल ज्योति कमल जी को। सर आप मंच पर आए, हमारे खास मेहमान का धन्यवाद अदा करें। राम सिया राम सिया राम, जय जय।